सो हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो सारे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस आ चुके हैं एक और इंटरेस्टिंग क्लैश ऑफ क्लैंस की वीडियो के साथ। सो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग टाउन हॉल 10 के कुछ ऐसे टैक्स देखेंगे जिससे कि आप किसी भी टाउन हॉल 10 के बेस को 3-स्टार कर सकते हैं। सो आज की वाली वीडियो यार बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो लास्ट तक जरूर देखना वरना आप लोग यार बहुत कुछ मिस कर जाओगे। तो चलें क्या। हेलो हे व्हाट्सअप गाइस, मैं नाम मनजीत सिंह एंड यू गाइस आर वाचिंग माय टीम मनजीत। तो चलो गुरु विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हो जा शुरू। सो हे गाइस यार एक और फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो ये रहा अपना पहला अटैक एंड इस अटैक स्ट्रेटजी को यूज़ करना गाइस बहुत ही ज़्यादा इजी है। सबसे पहले आपको अपने दो गोलम डाल देने हैं एंड उसके पीछे से आपको अपने सारे के सारे पेकर्स वहाँ पे स्पैम कर देने हैं, फिर अपने विजार डाल देने हैं एंड उसके बाद अपना आ जाएगा यहाँ पे वॉर रिकर। एंड जैसे ही एक अच्छा सा फनल क्रिएट हो जाए उसके बाद आपको अपने हीरोज डाल देने हैं एंड जो अपना वॉर रिकर है गाइस इसको सिंगल टारगेटेड इन्फर्नो से बचा के रखना है एंड जितना लंबा वॉक हो सके इसको वॉर रिकर को करवाना है एंड ताकि ये अपने कोर में तक पहुँच सके एंड बाकी सारा का सारा काम अपने पेकर्स यहाँ पे हैंडल कर लेंगे। बाकी सारा का सारा बेस यहाँ पे पेका ही उड़ा देंगे। सो आप लोग यार इस अटैक स्ट्रेटजी को देख सकते हो गाइस। आप लोग यार देख सकते हो ये वाला बेस यार आराम से 3-स्टार निकलेगा एंड कितने सारे पेकर्स यहाँ पे बचे हुए हैं। टोटल 5 पेकर्स यहाँ पे बचे हुए हैं एंड दो फुल साइज के यहाँ पे गोलम भी चल रहे हैं एंड किंग भी यहाँ पे चल रहा है। सो आराम से यार 3-स्टार निकलेगा गाइस ये वाला बेस। तो अभी हम लोग यार सेकंड ट्रैक देखने वाले हैं। सो गाइज अभी हम लोग यार जिस अटैक स्ट्रेटजी को देखने वाले हैं इसका नाम है गाइज यहाँ पे फ्रोजन बीच। आपको इसमें करना कुछ नहीं है। सबसे पहले आपको 5 विची डालनी है एंड उसके पीछे 2 हिलर, दूसरी साइड आपको 5 विची डालनी है एंड उसके पीछे 2 हिलर्स एंड एक अच्छा सा फनल क्रिएट होने देना है गाइज। जैसे एक अच्छा सा फनल क्रिएट वहाँ पे बन जाता है उसके पीछे से आपको वॉरिकर डाल देना है ताकि अपना वॉरिकर जो है वो कोर तक जा सके एंड साथ ही में जैसे एक अच्छा सा फनल क्रिएट हो जाए आपको अपने हीरोज भी डाल देना है ताकि अपने हीरोज है वो कोर में जा सके एंड आपको टाइम टू टाइम वहाँ पे फ्रीज डालनी पड़ेगी। जहाँ पे भी आपको हैवी डिफेंस दिखता है वहाँ पे फटाफट से फ्रीज डाल दो ताकि अपनी जो वॉरिकर है वो जितना लंबा वॉक करेगा उतना ही ज़्यादा अपने लिए यार फायदेमंद रहेगा। सो टाइम टू टाइम यार यहाँ पे फ्रीज पैड डालना गाइस बहुत ज़रूरी है।
सो हे गाइस, ये रहा अपना तीसरा अटैक एंड इस अटैक स्टेज को बोलते हैं यहाँ पे मास माइनर। एंड इस अटैक स्टेज को उस बेसिस पे यूज कीजिए जहाँ पे अपोनेंट के सीसी में लावा हाउंड हो। सो आपको करना कुछ नहीं है, एक साइड से आपको अपना वॉरिकर एंड क्वीन डाल देनी है, एंड चाहो तो आप लोग यार वॉरिकर को सेंटर से भी डाल सकते हो अपने माइनर्स की तरफ से। एंड एक साइड आपको किंग डिप्लॉय कर देना है एंड एक अच्छा सा फनल क्रिएट कर लेना है माइनर्स के लिए, ताकि वो सारे के सारे माइनर्स अपने कोर में चले जाएंगे। एंड उसके बाद आपको टाइम टू टाइम वहाँ पे हील प्रोवाइड करते रहना है। सो आराम से यार कोई भी वेस्ट रिचार्ज निकल जाएगा जिसके सीसी में लावा हुंडो। सो गाइज, फाइनली ये वाला वेस यार यहाँ पे थ्री स्टार निकल गया एंड बहुत ही आराम से यार ये वाला वेस यहाँ पे थ्री स्टार निकल गया। सो गाइज, यही थी यार आज के वाली वीडियो। आई होप यार आप लोगों को ये वाली अटैक स्ट्रेटजी पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो फटाफट से यार लाइक करो, चैनल पर न्यू तो यार सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल दबाओ। एंड हाँ गाइज, कमेंट करो यार, कमेंट करोगे तो अभी तो बाइक का चैनल चलेगा। सो गाइज, आज की वाली वीडियो बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।